हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के अपने प्रोग्राम में आज हमारा डे 7 है। करंट अफेयर का ये क्लास दोस्तों आपको इसलिए डिले मिल रहा है क्योंकि पिछली जो क्लास रिकॉर्ड की गई थी उसमें वॉइस नहीं थी, इसलिए इस क्लास को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा और एक दिन पूरा इन्वायरमेंट को लेकर प्रॉब्लम था। यहाँ बहुत बारिश हो रही थी इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों, और आज हम लोग डे 7 को एक बार दोबारा देख लेते हैं। आते हैं 119th नंबर क्वेश्चन पे। 118th नंबर क्वेश्चन पिछले 6 क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन ऑफ वर्टिब्रेट पेलियंटोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट, यानी नॉर्मली देखें एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें बोला गया है कि क्रायोडेकन धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव है। तो पेपर में आ जाएगा कि धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो वो है क्रायोडेकन। आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक कहाँ स्थापित की गई, तो महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित की गई है और जिग्नेश पटेल जो कि एक उद्यमी है उनके द्वारा यह स्थापित की गई है। 121 नंबर क्वेश्चन, नासा का मार्स मिशन, अभी हाल ही में नासा ने मार्स मिशन भेजा है जो कि फरवरी 2021 में पहुंचेगा। हम देखेंगे कि इस मार्स मिशन को एटलस वी रॉकेट के द्वारा केप केनर वल अंतरिक्ष स्टेशन से सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस रॉकेट के द्वारा इसका केप कनेर वल अंतरिक्ष स्टेशन से सफल प्रक्षेपण किया गया, इसका सही आंसर है एटलस वी। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। जिस रोवर के थ्रू किया गया है उस रोवर का नाम है परसीवियरेंस, यानी जिसमें रोवर लगा है उस रोवर का नाम है परसीवियरेंस। और इस रोवर में हम लोग देखेंगे 25 कैमरे हैं, माइक है, ड्रिल है, लेजर लाइट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रोवर का नाम पूछ सकते हैं दोस्तों कि रोवर का नाम क्या था, तो रोवर का नाम था परसीवियरेंस। हम देखेंगे दोस्तों कि जो इस मिशन के टूल्स थे, चाहे वो मंगल हेलीकॉप्टर हो या और भी जो रोवर हो, इन सब का नाम क्या रखा जाए, इसके लिए प्रोग्राम हुआ था नेम द रोवर। इस नेम द रोवर प्रोग्राम में एक भारतीय मूल की लड़की है, उनका नाम है वनीजा रूपानी, इन्होंने जो मंगल हेलीकॉप्टर है उसका नाम रखा है इंजनुइट। तो आगे पेपर में आ सकता है तो क्वेश्चन कि इंजनुइट क्या है, तो ये देखेंगे ये एक मंगल हेलीकॉप्टर है इंजनुइट जिसका नाम रखी है वनीजा रूपानी ने। अगला नोबल पुरस्कार भी क्वेश्चन है दोस्तों, और 122, 3, 4, 5, 6, तो अगले 5 क्वेश्चन नोबल प्राइज से हैं। तो देखेंगे 2019 का जो नोबल प्राइज दिया गया था वो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबल प्राइज जो है वो विलियम केलिन जूनियर, यानी सीधा आप लोग जूनियर याद करिए कि जूनियर को, रेडक्लिफ को और सेमेंजा को, तो तीन लोग को दिया गया था, जूनियर, रेडक्लिफ और सेमेंजा को, जिनमें से हम लोग ध्यान देंगे कि जूनियर हार्वर्ड से संबंधित है, रेडक्लिफ ऑक्सफोर्ड से संबंधित है और सेमेंजा जॉन हॉपकिंस से संबंधित है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं किसे संबंधित है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र वाला इस बार इंपॉर्टेंट है, जूनियर, रेडक्लिफ और सेमेंजा। तो आप देखिए, अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सीनियर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, पहले जूनियर डॉक्टर मिलते हैं। तो इस तरह से एक नाम आप याद भी कर सकते हैं, आगे रेडक्लिफ और सेमेंजा याद कर लीजिए। भौतिकी पे आते हैं, तो भौतिकी का पुरस्कार तीन लोग को दिया गया है, जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और क्वेलोज। तो लोग ध्यान देंगे कि पीबल्स इसमें दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरी भौतिकी के नोबेल का जो आधा हिस्सा दिया गया है वो जेम्स पीबल्स को दिया गया है, पीबल्स को, और जो बचा हिस्सा है उसमें मिशेल मेयर और क्वेलोज को दिया गया है। मिशेल मेयर तो मेयर को और क्वेलोज को दिया गया है, इस चीज को ध्यान देंगे कि मिशेल मेयर और क्वेलोज को भौतिकी का जो बचा हिस्सा है वो दिया गया है और आधा हिस्सा के लिए पीबल्स को दिया गया है। साहित्य पे आते हैं दोस्तों, तो साहित्य का जो पुरस्कार दिया गया है वो इस बार 19 का दिया गया है होंडके को, पीटर होंडके इनका नाम है, पीटर होंडके को दिया गया है। और सन 2018 का जो दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था ओल्गा तोकारचुक को, ओल्गा तोकारचुक को, इस चीज को ध्यान देंगे। 2018 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 19 का जो पीटर होंडके हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। रसायन पे आते दोस्तों, तो इस बार रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो लिथियम आयन बैटरी के विकास हेतु दिया गया था, लिथियम आयन बैटरी के विकास हेतु दिया गया था और ये नोबेल पुरस्कार गुड इनफ विटिंगहम
और योशिनो को दिया गया था। गुड इनफ विटिंगहम और योशिनो अकीरा योशिनो को दिया गया था, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला है नोबेल पुरस्कार, वह है शांति। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो आबिये अहमद अली जो कि इथियोपिया के पीएम हैं उनको दिया गया है। आबिये अहमद अली जो कि इथियोपिया के पीएम हैं उनको दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो जो इनका इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष था उसको सुलझाने के लिए इनको शांति का पुरस्कार दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे आते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो देखेंगे ये अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को दिया गया। माइकल क्रेमर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, बाकी लोग ऑक्सफोर्ड से संबंधित हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो 2019 में क्वेश्चन बन के आ चुका है, तो इस बार अगर आना होगा तो जो शेष बचा दोस्तों फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साहित्य का और शांति का, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार पे। हम लोग देखेंगे कि अभी 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को जो पद्म पुरस्कार हैं उनकी सीरीज तैयार की गई कि किसको किसको दिया जाना है। तो इस बार पद्म पुरस्कार विभूषण जो है वो 7 लोग को दिया गया, पद्म भूषण जो है वो 16 लोग को दिया गया और पद्मश्री 118 लोग को दिया गया। अब 16 और 18, 118 का नाम याद करना तो मुश्किल है, लेकिन पद्म भूषण विभूषण जो कि 7 ही लोग को दिया गया है इनको देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 4 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, जिसमें है जॉर्ज फर्नांडिस, जेटली स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी। तो विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, इसमें सुषमा स्वराज और जेटली तो नहीं भूलेंगे दोस्तों, लेकिन फर्नांडिस और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी के भूलने के चांस हैं। तो जो बाकी 3 लोग हैं वो कौन है? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, मैरी कॉम हैं और हनुन लाल मिश्र हैं जो कि यूपी से संबंधित हैं। व्यास पुरस्कार पे आते दोस्तों, इस बार 29वां व्यास पुरस्कार नासिरा शर्मा को दिया गया, ध्यान देंगे नासिरा शर्मा को दिया गया और ये कागज की नाव के लिए दिया गया, इनकी जो रचना है वो है कागज की नाव। जो 28वां व्यास पुरस्कार दिया गया था वो लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था, उनकी कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। तो जो नासिरा शर्मा है इनकी बुक है कागज की नाव, ये भी यूपीपीसीएस 2019 में आ चुकी है दोस्तों, इसके लिए दिया गया था। 29वां व्यास पुरस्कार जो दोस्तों जो व्यास पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये सचिन अवस्थी को दिया गया जो कि भारत के हैं। किस लिए दिया गया? तो चूंकि ये समाज और दुनिया में बेहतरीन योगदान देने के लिए दिया जाता है, तो सचिन अवस्थी के जो समाज में इनके योगदान थे, जो सामाजिक इनके योगदान थे, उनको देखते हुए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको दिया गया। 55th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों वो अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया, यह एक मलयालम कवि हैं, ये मलयालम कवि हैं। और जो 2018 वाला दिया गया दोस्तों वो अमिताव राव घोष को दिया गया था, लेकिन अमिताव राव घोष अंग्रेजी साहित्यकार थे, इसको ध्यान देंगे। 131 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, इस बार ये धर्म शत्रु को दिया गया है और ये बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये धर्म शक्तु को दिया गया है, किस लिए दिया गया है? कि कुंठ रोग के उन्मूलन की दिशा में जिन्होंने एफर्ट किया है, जो उनके प्रयास हैं उसको ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार इनको दिया गया है। 132 नंबर क्वेश्चन, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, तो इस बार ये डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया है, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा इनको दिया गया है। गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 133 नंबर क्वेश्चन, 29वां सरस्वती पुरस्कार जो 2019 है, ये भी पुरस्कार दोस्तों जो सरस्वती पुरस्कार है ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये पुरस्कार जो 29वां सरस्वती पुरस्कार है ये सिंधी कवि वासुदेव मोही, सिंधु कवि जो वासुदेव मोही हैं उनको दिया गया है। और किस लिए? तो उनकी जो लघु कथा संग्रह है जिसका नाम है चेकबुक, इसके लिए दिया गया है, चेकबुक के लिए दिया गया है, इसको ध्यान देंगे। 134 नंबर क्वेश्चन, महान प्रवासी सम्मान 2020, तो महान प्रवासी सम्मान 2020 किसको दिया गया? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को, इन दोनों लोगों का जन्म न्यू दिल्ली में हुआ है, तो महान प्रवासी सम्मान मुखर्जी जी को और राज चेट्टी जी को दिया गया है। 135 नंबर क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संजय गुप्ता को दिया गया है, जो कि जागरण समूह के जो है कि ये प्रधान संपादक हैं,
136 नंबर क्वेश्चन, पॉल हैरिस फेलो सम्मान किसको दिया गया है? तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान के पलानी स्वामी को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, तमिलनाडु के। आगे ध्यान देंगे दोस्तों कि ये जो है कि रोटरी फाउंडेशन ऑफ द रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इनको दिया गया है। तो पॉल हैरिस फेलो सम्मान रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा के पलानी स्वामी को, जो कि सीएम है तमिलनाडु के, इनको सम्मानित किया गया। अगला है एबेल पुरस्कार। दोस्तों एबेल कौन थे ये समझते पहले, तो नॉर्वे के एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था हेनरिक एबेल। इन्हीं की स्मृति में, ये हेनरिक एबेल की स्मृति में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस बार ये एबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है। 138 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, 138 नंबर क्वेश्चन है, वान कर्मन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये इसरो चीफ के सिवन को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा के सिवन को वान कर्मन अवार्ड 2020 दिया गया है। 139th नंबर क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2020, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2020, यह इसमें हम लोग देखेंगे तो एक अवार्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर को मिला है, जो कि इकलौते भारतीय हैं इस अवार्ड को पाने वाले। इस सीरीज में 2020 में देखेंगे लॉरियर्स स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर पाए हैं। लॉरियर्स स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड जो है वो 2011 की स्मृतियों को, वर्ल्ड कप था उसको ध्यान में रखते हुए इनको दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है सिमोन बाइल्स को, और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है लियोन मेसी को। 140 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास सम्मेलन जो कि न्यू दिल्ली में मनाया गया, ये टीरी के द्वारा आयोजित किया जाता है, और इस बात का जो सब्जेक्ट था दोस्तों वो था टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन समाप्त होता है, कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।